हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोरियन हॉबी और अपने काविश के साथ। एंड टुडेस टॉपिक इज आज खास टॉपिक नहीं, आज भी रैंडम वीडियो है। आज की रैंडम वीडियो क्या, और मेरे इतने दिन से वीडियोज वगैरह क्यों नहीं आ रही थी, कुछ टाइम हो गया मेरी वीडियो नहीं आई है। तो एक्चुअली मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि जो मेरा टैंक है इसका हम हार्डस्केप मटेरियल ढूंढ रहे थे जैसा हमको चाहिए था, क्योंकि उल्टा सीधा काम करने में हमको मज़ा नहीं आता है। तो जो हार्डस्केप मटेरियल जैसा हमको चाहिए था, मतलब कि पहले तो हम सोच रहे थे कि आप लोगों से, हमने लास्ट वीडियो में पूछा था इसका हार्डस्केप कैसा करें, मतलब किसको एक्वास्केप कैसा करें, मतलब किसका जो अंदर का प्लांट्स का जो डिज़ाइन रहेगा, मेरा अंदर का स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा हो। तो इसके लिए मतलब कि आप लोगों ने कुछ खास सजेस्ट नहीं करा वैसे हमें, बट हमने क्या सोचा कि जैसा कि हमको ट्रायंगुलर स्केप काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि एक एक साइड से शुरू होते हैं दूसरे साइड पर एंड हो जाते हैं, तो जो वैसे ही हमने इसमें ये सोचा कि इसमें हम एक रूट स्ट्रक्चर टाइप का बनाए, क्योंकि हम एक बार स्टेशन गए थे यहाँ पर लखनऊ में, आलम वगैरह स्टेशन है, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर एक ट्री कटा हुआ था, उसका ट्रंक था और उसकी रूट्स थी। तो उसको हमको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन टाइप की मिली कि हाँ ऐसा एक्वास्केप कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला टैंक है, तो उसका एक्वास्केप हमने कैसा सोचा, हमने ये सोचा कि साइड से, जैसे कि ये वाला साइड है मेरा, इस साइड से यहाँ पर मतलब कि जैसे एक ट्री होता है, ट्री का ट्रंक होता है, फिर उसके नीचे उसके रूट्स निकलना स्टार्ट होती हैं, रूट्स निकलती हैं वो भी, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, बनियन ट्री वगैरह, उसका आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं, तो देखा होगा उसका ट्रंक होता है, उसके नीचे काफ़ी सारी रूट्स ऐसे करके निकली होती हैं जो काफ़ी दूर तक गई होती हैं, और देखने में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर ट्री वो लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो वैसे हमको सोचा इसमें करने के लिए, हमने ये सोचा कि इसमें एक साइड से यहाँ से मतलब कि एक ट्रंक हो मेरा, जो कि थिक हो ट्रंक, पतला सा ट्रंक नहीं, मतलब कि इतना चौड़ा नहीं ट्रंक, मतलब कि 2-3 इंच चौड़ा ट्रंक नहीं, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा, ऑलमोस्ट 6-7-8 इंचेस का ऐसे ट्रंक हो अप्रॉक्स। तो जब उतना मोटा ट्रंक हो यहाँ पर, और फिर वो थोड़ा सा नीचे आए, और मतलब कि ट्रंक का जो टॉप रहेगा वो पूरा वाटर लेवल के बराबर, उसके फिर जो उसके नीचे जो पूरे जो ट्रंक आए थोड़ा सा नीचे तक, फिर उसके नीचे रूट्स निकलना स्टार्ट हो, एक साइड से स्टार्ट हो और स्टार्ट होते होते यहाँ तक आए, मतलब कि यहाँ तक ऑलमोस्ट 2/3 एक्वेरियम कवर करें यहाँ तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 फिट बच जाए, 2 फिट तक ऐसा हार्डस्केप रहे। और फिर उसमें फिर छोटे छोटे से प्लांट्स लगाएं हम, मतलब कि जो टाइनी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अनूबियस हो गए और इस टाइप के काफ़ी सारे प्लांट, तो जब वो सब लगाएं और आगे कारपेट जैसी फॉर्म करें, ऐसा मेरा प्लान है अभी तक। तो जब उसी के लिए हम ऐसा ड्रिफ्टवुड ढूंढ रहे हैं जो कि मिले, फिर हम हार्डस्केप करें, उसके लिए काफ़ी जगह हम ढूंढ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा वो वाला जो ट्री का जो ट्रंक था, उसका हमने पोस्ट भी करा हुआ था इंस्टाग्राम पे, जो हमने ट्री देखा था उसका पोस्ट करा था। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं आप हमें। तो देख सकते हैं ये वाला जो ट्री है, ऐसा ही हमने सोचा कि यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं कि यहाँ से आए और फिर ऐसे जाए, और जैसे इसमें देख रहे हैं ग्रास वगैरह ऐसे निकली हुई है नेचुरली, और वैसे ही हम इसके अंदर भी कुछ टाइनी प्लांट्स का मतलब कि प्लांटेशन करें, एक्वास्केप करें उसका, और रॉक्स उसमें बीच बीच में रहेंगे, जैसे कि रॉक्स के ऊपर रूट, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा उसके बीच में रॉक्स वगैरह फंस जाते हैं ऐसे, जैसे कि रूट्स ये आ रही हैं तो उसके बीच बीच में रॉक वगैरह भी ऐसे करके ऐसे जगह जगह पर होते हैं रॉक्स। तो जो ऐसे ज़्यादातर तो ऐसे नहीं होते हैं, मतलब नेचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये चीज़ रॉक वाला जो थीम रहता है ये टैंक में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो है काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट भी करा था भाई सियोरी रॉक यूज़ करो, तो जो वही देख सकते हैं, वही वाले रॉक अनबॉक्स कर रहे थे अभी। रॉक अनबॉक्स करते करते हमने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, रैंडम थी, कई दिन हो गए वीडियो वगैरह शूट नहीं करी है। तो देख सकते हैं मेरा हार्डस्केप मटेरियल आ गया है यहाँ पर, देख सकते हैं वो पीछे सॉयल रखी हुई है और थोड़े से एडिटिव्स वगैरह रखे हुए हैं, फर्टिलाइज़र, वो सब तो बात की बात है, आप लोग देख के समझ भी गए होंगे कौन सा है ब्रांड बट अभी उसकी बात नहीं करते हैं। अभी जो हमारे रॉक्स हैं इनको खोल के देखते हैं कैसे रॉक्स आए हैं, कैसी क्वालिटी है। तो चलिए इनको खोलते हैं और फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। ये रॉक्स देख सकते हैं, तो ये रॉक देख सकते हैं, अभी इनको ओपन करेंगे और रॉक्स की अनबॉक्सिंग के बस खोलना है उसको। और फिर ये देख सकते हैं इधर जो हमने ATO कहा था बनाने के लिए, वो ऑलमोस्ट बन गया है मेरा ATO। और एक और चीज़ वो भी प्लान डिस्कस करना है, क्या करना है, क्या करें क्या ना करें। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले रॉक्स अनबॉक्स कर लेते हैं, अनबॉक्स के मतलब ओपन करके देखते हैं कैसे हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। तो चलिए अपने रॉक्स करते हैं ओपन। तो ये कार्टून देख सकते हैं, जे ट्रॉपिका का है, खाली सॉयल का कार्टून है, इसके अंदर बस रख के शिपिंग करने में आसानी रहती है, तो ये वाले बैग वगैरह इसी में यूज़ आ जाते हैं। तो इसके अंदर ये रहा एक सैक, बोरी जो भी आप लोग कहते हो,
अब इसको करते हैं ओपन। इसको भी काटना पड़ेगा। तो ये रहे अपने रॉक्स, ये देख सकते हैं, इसको अभी साफ ऑफ करना पड़ेगा। ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। चलिए बाकी भी सारे रॉक्स अनबॉक्स मतलब कि निकाल लेते हैं। तो चलिए बाकी भी सबको कर लेते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स के अंदर ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब करते करते अनबॉक्सिंग बोलने की आदत हो गई है। तो ये देख सकते हैं इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और ये देख सकते हैं, इनको सबको भी वॉश करना पड़ेगा। बट पहले सारे निकाल लेते हैं। बाकी तो छोटे मोटे सब पीसेस जो कि शिपमेंट में टूट गए होंगे। ये सब पीसेस भी काम आ ही जाते हैं एक्वास्केपिंग में, जब आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील का लुक देना होता है। तो बस और तो कुछ नहीं, तो ये सारे रॉक देख सकते हैं, इनको अभी करेंगे वॉश, फिर जो इनका असली रूप निखर के आएगा। तो ये पीस कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और ये वाला पीस भी, ये भी, सारे ही पीस अच्छे हैं। बट अब क्या कहें, ये पीस देखिए, ये वाला, ये पीस कितने ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें कर्व्स कितने अच्छे हैं। चलिए वैसे सारे पीस पर ऐसे सारे पीस हम देखते रह जाएंगे। चलिए अभी पर हैंड वॉश कर लेते हैं और आप लोग आगे का प्रोजेक्ट बताते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने हैंड के साथ साथ ये रॉक भी थोड़ा सा वॉश कर लिया। देख सकते हैं एक रॉक, इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, स्ट्रक्चर ज़बरदस्त। और हमने डोर ओपन करा तो मेरे साथ साथ ये दोनों शैतान भी आ गए, दिख रहे हैं आप लोग को, एक ये इधर है और एक ये नोटी ईवा, बाहर आओ। हाँ, ये मिनी ईवू। चलो तुम लोग इन लोग को बाहर निकालते हैं, फिर आगे इन लोग को बाहर इन लोग को बाहर निकालते हैं फिर, वरना ये लोग वीडियो नहीं शूट करने देंगे। तो चलिए इन रॉक्स को छोड़ते हैं, बात कर लेते हैं अपने मरीन टैंक के बारे में, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये हमने एटीओ सेक्शन बनाया था। तो जो ये देख सकते हैं, इसको हटाते हैं, इसके बारे में भी कुछ डिस्कस करना है। तो ये देख सकते हैं जो मेरा एटीओ सेक्शन है, ये कैसा लग रहा है। इसकी जो हाइट हमने रखी है, ये हमने रखी है 17 inches, और फ्रंट टू बैक मेरा 18 inches है, और लेफ्ट टू राइट ये मेरा 8 inches है अप्रॉक्स। तो जो मेरा एटीओ सेक्शन बन चुका है, उसका फ्रंट ग्लास ब्लैक है। इसके बारे में पूरी वीडियो अलग आएगी वो एटीओ के बारे में, तो उसमें हम सही से बताएंगे कैसे बनाया हमने, क्या करा है एंड ऑल।
तो जैसे मेरा एडिट सेक्शन बन चुका है, उसके ऊपर कुछ कवर बनाना है, और बहुत सही मतलब कि मेरा डिसीजन था ये वाला यूज़ करने का सिलिकॉन, क्योंकि जैसे ही मेरा ये एंड हुआ फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और एक जगह और लगा देते हैं मतलब कि सिलिकॉन। तो मैंने फिर हमने गन जब चलाई तो फिर बिल्कुल भी सिलिकॉन नहीं निकला, पूरा मेरा सिलिकॉन यूटिलाइज हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये प्लाईवुड का हमने क्या सोचा है। प्लाईवुड का हमने ये सोचा हुआ है कि मेरा यहाँ पर जो रोजमोंड का कंट्रोलर लगा हुआ है ये साइड में हो गया है, कंट्रोलर आप लोगों ने देखा होगा। एक्चुअली अब हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर मेरा रोजमोंड कंट्रोलर है ये पूरा साइड में छुप गया है, इतनी अच्छी सी चीज़ और ये साइड में छुपी हुई है तो अच्छा नहीं लग रहा है। पहले जब टैंक मेरा वहाँ पर था तब ये दिखता था साइड से, तब ये पूरा छुपा हुआ है। तो हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर एक कोई मेरा पैनल जैसा होता जिसमें हम सारे अपने कंट्रोलर्स लगा देते हैं। अभी तो रोजमोंड का है, फिर अभी एडीओ भी बना रहे हैं तो एडीओ का भी कंट्रोलर लगाना होगा, और फ्यूचर में भी हो सकता है और ज़्यादा कंट्रोलर ऐड करना पड़े, तो एटलीस्ट अभी दो कंट्रोलर तो लगाना ही है। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं यहाँ पर जैसे कि ये वुड पीस आप लोग देख रहे हैं इसकी लेंथ ज़्यादा, थोड़ी लेंथ कम कर दिए, तो वो हम यहाँ पर ऐसे लगा दें थोड़ा सा। बस ये फॉर एग्जांपल आप लोग को डेमोंस्ट्रेशन के लिए दिखा रहे हैं, जितना ये चौड़ा है ये ऑलमोस्ट मेरा शायद 5 inches होगा, 5 to 6 inches है। तो इसमें 1 inch और इधर एक लकड़ी लगवा दें, है ना, जैसे कि ये लकड़ी है इसमें 1 inch ऐसे और इधर ऐड कर दें, इधर ऐड कर दें, तो मेरा मतलब भर का मेरा बोर्ड तैयार हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ऐड करने के बाद फिर इसमें हम सरमाइका लगवा देंगे, और एक मतलब कि इतना दूर रहेगा साइड से चारों तरफ, इसमें ऐसी बिल्डिंग टाइप की या जो भी कह लें आप लोग रहेगी, तो उसमें मेरे वायर्स आ जाएंगे। सर अभी बताते हैं कैसे, देखिए मतलब कि साइड इधर उधर बिल्डिंग लग गई, मतलब कि ऑलमोस्ट हमने अगर 2 या 3 inch की ली टोड़ा लिया, 2 inch मान के चलिए, 2 से 2.5 inch, तो वो साइड से इतना 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 निकल आएगा ना पीछे की तरफ, ऐसे जैसे कि ये हो गया तो इतना निकल आएगा, है ना। तो जो है इतना जब निकल आएगा, इधर भी लग गया, ऊपर भी लग गया, साइड में भी लग गया ना, सब तरफ लग गया, फिर लगने के बाद बीच में स्पेस जितनी बच गई, तो फिर उसमें हम सोच रहे हैं जैसे कि मेरा कंट्रोलर लगेगा तो यहाँ पर छेद करवा देंगे इसमें, और फिर उसमें से मेरे सारे वायर्स पास हो जाएंगे उसके नीचे, ऐसी मतलब जगह जगह पर हम छेद करवा देंगे रैंडमली, जहाँ पर हमको लगेगा कि कहाँ पर करवाना है वहाँ पर करवा के, और फिर उसके अंदर सारे मेरे वायर्स निकल जाएंगे, तो खाली कंट्रोलर मेरे दीवार पर दिखेगा, है ना, तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन थोड़ा अच्छा सा लगेगा। हमको ये जगह सही लग रही है, बट मेरा फ्रेंड कह रहा था क्या यार भाई इतने महंगे कंट्रोलर हैं उनको तुम साइड में छुपाए दे रहे हो, देखो छुपाने वाली चीज़ को कहीं इस वॉल पे लगाओ यहाँ कहीं पर, या फिर किसी और साइड, या फिर टैंक के उस साइड लगाओ तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि फ्यूचर में और भी कंट्रोलर्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि थर्मामीटर हम लगाएंगे इसके ऊपर, और मे बी फ्यूचर में अगर हम एक और वेव मेकर ऐड करते हैं तो वेव मेकर का हो जाएगा, और अगर हम जैसे कि पंप वगैरह अगर चेंज करते हैं, या फिर स्किमर आते हैं और ब्रांड्स के, उसके साथ कंट्रोलर होता है, और हीटर भी कुछ आते हैं जिनका थर्मोस्टेट बाहर होता है उसका भी आता है, और काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें होती हैं, गैजेट्स होते हैं जैसे कि डोजर वगैरह हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके सबके कंट्रोलर बाहर रहते हैं, तो जो उसके लिए वो कह रहा था कि भाई इतने अच्छे कंट्रोलर होते हैं, देखने में भी काफ़ी लग्जूरियस से लगते हैं, तो जो कह रहा था उनको सबको तुम साइड में छुपा दोगे तो इसको कहीं साइड यहाँ पर लगाओ तो दिखेंगे यहाँ पर, या फिर टैंक के उस साइड लगा दो। बट हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा मेरा, कि वैसे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर लगाएं थोड़ा चीप ना लगे कि सब दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम सोच रहे थे इसको साइड में यहाँ पर रखें, हमको तो दिखेंगे ही, बाकी किसी को दिखे ना दिखें, यहाँ पर हमें लग रहा है मेरे हिसाब से तो सही रहेगा यहाँ पर। और इसको ब्लैक सरमाइका मेरा बचा हुआ है, और ये प्लाई का टुकड़ा भी उसी में से बचा हुआ था जब मेरा प्लांटेड टैंक बना था, उसी का सरमाइका भी बचा हुआ है, तो वो भी हम सोच रहे थे ब्लैक सरमाइके की फिनिश के साथ यहाँ पर लगवा देते हैं, ऐसे करके लगा देंगे, और फिर उस पर मेरा सबसे ऊपर रोजमोंड वाला कंट्रोलर आ जाएगा, फिर उसके नीचे बाकी सारे कंट्रोलर आ जाएंगे, वो तो कंट्रोलर तो फिर देख लेंगे कैसे करना है। और यहाँ पर जो छेद रहेगा वो देखा होगा आप लोगों ने, जो कंप्यूटर वाली टेबल आती है उसमें एक जो होल रहता है बड़ा सा, और फिर मतलब जब आपको प्लग वगैरह पास कर दिए उसमें से, और फिर एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है वो लगा दिए तो खाली वायर उसके अंदर से पास होता है वो दिखता है, वैसा कुछ सोच रहे हैं अभी फिक्स नहीं है, बट ATO तो हो गया, ATO रिजर्वायर तो हो गया अपना, अब यही बचा है तो इसको भी कुछ ही दिनों में कर लेते हैं कंप्लीट, और फिर ATO की फुल कंप्लीट वीडियो निकालते हैं ATO लगाने के बाद। तो बस यही थी वीडियो, और अभी हम रूम में आए, मेरी फिश भी भूखी, इनको ज़रा फीडिंग वगैरह दे देते हैं। और ये टेट्राबिट्स का डिब्बा नहीं है, एक्चुअली में टेट्राबिट्स का डिब्बा तो इसके अंदर टेट्राबिट्स नहीं है, इसके अंदर मतलब हिकारी ऐसा है, ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीलन वगैरह हो जाती है ह्यूमिडिटी से, तो इसमें रखते हैं ताकि ख़राब ना हो, और प्लस चीटियाँ वगैरह भी नहीं लगती हैं डिब्बे के अंदर रखने से, तो आप डिब्बों को रीयूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक, ताकि कम से कम इन्वायरमेंट में रहे।
और ये हमने एक फेक एनीमोन भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, ऐसे में बस पड़ा हुआ था तो हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस यही थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक ज़रूर कर दिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हार्डस्केप वगैरह करते हुए अपनी वुड पहले मिल जाए हमको, फिर हार्डस्केप आगे का स्टार्ट होगा, जैसे हमने वुड सोची वैसी वाली मिल जाए, अच्छी बातें मिल जाए क्योंकि हर जगह ढूंढ रहे हैं इंडिया भर में, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। तो चलिए बस वाली वुड वगैरह मिल जाए फिर अपने हार्डस्केप आगे बढ़ाते हैं प्लांटेड टैंक का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आप लोग अभी भी जाइए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम थोड़ी देर अपने नए खिलौनों तो खेलेंगे, इनको थोड़ा साफ ऑफ करेंगे, एक्वास्केपिंग के लिए देखेंगे कौन सा फेस इनका अच्छा है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, वैसे आप लोग की मर्ज़ी सब्सक्राइब कर देगा नहीं कराए तो, और क्योंकि नए टाइम की वीडियोज़ वगैरह आने वाली इन सबको जब हम लोग असेंबल करेंगे, असेंबल जब एक्वास्केप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड। और छोटी मोटी अपडेट के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।